दोस्तों Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro ये दोनों ऐसे डिवाइस हैं जो सेम प्राइस पे लॉन्च किया गया है। Redmi Note 7 Pro तो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस फ़ोन को पसंद किया था क्योंकि इस प्राइस में ऐसे फीचर्स आपको मिल रहे थे जो किसी और फ़ोन में नहीं मिल रहे थे। अब Redmi Note 7 Pro के बाद Realme 3 Pro भी लॉन्च हो गया है, इसके लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे और फाइनली जो फ़ोन निकल के आया है दोस्तों वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि Redmi Note 7 Pro लूँ या फिर Realme 3 Pro लूँ। तो आज के इस छोटे से वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं दो फोन्स के बारे में और आपको बताऊंगा इन दोनों फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। ये एक स्पेक बेस्ड कंपेरिजन होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर होने वाला है। आपसे बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो दोस्तों Realme 3 Pro जो है आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है, ग्लॉसी बैक पैनल देखने को मिल जाता है जहाँ पे ग्रेडिएंट फिनिश दिया गया है। तो दिखने में दोस्तों फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बिल्ड क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी Redmi Note 7 Pro की है। Redmi Note 7 Pro में दोस्तों आपको मिलता है ग्लास बैक बॉडी और साथ ही Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है और ग्रेडिएंट फिनिश जो है इस फोन में भी देखने को मिलता है। तो नो डाउट जो बिल्ड क्वालिटी है वो Redmi Note 7 Pro की बेटर है और इन हैंड जो फील होगी दोस्तों वो भी Redmi Note 7 Pro की बेटर होने वाली है। लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे दोनों फोन को तो दोनों ही फोन जो है दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और काफी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अब अगर दोस्तों बात की जाए दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में तो 6.3 इंच की डिस्प्ले दोनों में ही आपको देखने को मिल जाती है, वाटर ड्रॉप नॉच दोनों में ही आपको देखने को मिलता है और साथ ही दोस्तों आपको Gorilla Glass 5 की जो प्रोटेक्शन है दोनों में ही आपको देखने को मिल जाती है। दोनों ही जो डिस्प्ले है दोस्तों IPS LCD डिस्प्ले है तो दोनों की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, लगभग क्वालिटी सेम है। डिस्प्ले के मामले में दोनों ही बराबर के हैं। अब अगर दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेके कि किस में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है तो Redmi Note 7 Pro में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 का चिपसेट जो कि 11 नैनोमीटर का चिपसेट है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपसे Realme 3 Pro की तो Realme 3 Pro में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे पावर एफिशिएंसी जो है वो आपको Realme 3 Pro में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी और साथ ही जो गेमिंग है वो थोड़ी बहुत आपको Redmi Note 7 Pro से Realme 3 Pro में बेटर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी Fortnite का जो सपोर्ट है वो Realme 3 Pro में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों गेमिंग दोनों फोन में आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगी। PUBG जो है दोनों ही फोन में आप काफ़ी अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तो डे टू डे यूजर्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क जो है आपको नज़र नहीं आएगा और फोन में दोस्तों आपको दो वेरिएंट मिलता है दोनों ही फोन में, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। लेकिन हाँ Realme 3 Pro में आपको मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट जो कि Redmi Note 7 Pro में नहीं दिया गया है। तो Redmi Note 7 Pro में या तो आप दो सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड, लेकिन Realme 3 Pro में आप दो सिम के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि और एक प्लस पॉइंट है Realme 3 Pro का जहां पे ये Redmi Note 7 Pro को बीट कर देता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि Redmi अपने फोन के साथ ऐसा क्यों करता है। अगर यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में भी ट्रिपल कार्ड स्लॉट होता ना तो बहुत सारे लोग जो है Redmi Note 7 Pro को ही प्रेफर करते। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के कैमरास के बारे में। तो कैमरास दोनों ही फोन में काफी कमाल के आपको देखने को मिलते हैं। जो Realme 3 Pro है वहां पे आपको 16+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है। जो मेन सेंसर है दोस्तों वो है Sony IMX519 का, ये वही सेंसर है जो कि आपको OnePlus 6T में देखने को मिलता है। तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आपको सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे नाइट स्केप का मोड देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रोमा बूस्ट मिलता है दोस्तों और साथ ही यहाँ पे एक अल्ट्रा HD मोड भी आपको देखने को मिलता है जहां से आप जो है लगभग 64 मेगापिक्सल तक के फोटो को कैप्चर कर सकते हैं इस फोन में। लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ Redmi Note 7 Pro की तो Redmi Note 7 Pro में आपको 48+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। जो मेन सेंसर है वो है Sony IMX586 का और ये ट्रू 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो नो डाउट दोस्तों ये जो सेंसर है काफी अच्छा है और काफी अच्छी क्वालिटी जो है आपको दे सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, EIS 4K वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में। हाँ लेकिन Redmi Note 7 Pro में आपको जो है सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। बाकी कैमरा टेस्ट करके देखना पड़ेगा दोस्तों कि दोनों के कैमरे में कौन सा कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन दोस्तों मैंने जो कैमरा कंपैरिजन देखे हैं वहां पे Redmi Note 7 Pro का जो है वो नेचुरल फोटो थोड़ा सा लेता है, वहीं पे अगर Realme 3 Pro की बात की जाए तो उसमें जो है कलर थोड़े से बूस्टेड लगते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि Realme 3 Pro का जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको ज्यादा पसंद आए क्योंकि उसमें जो कलर है बूस्टेड लगते हैं, तो इसी वजह से काफी अट्रैक्टिव लगता है फोटो।
इसका हम डिटेल कैमरा कंपैरिजन करेंगे, वहां पे हम क्लियरली आपको दिखा देंगे किसका कैमरा ज्यादा बेटर होने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है Realme 3 Pro में, और Redmi Note 7 Pro में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पे दोस्तों Redmi Note 7 Pro से काफी आगे निकल जाता है Realme 3 Pro, और जो सेल्फी है वो Realme 3 Pro की काफी बेटर निकल के आने वाली है। ओवरऑल अगर कैमरा में देखा जाए दोस्तों, काफी कड़ी टक्कर होने वाली है दोनों की, दोनों में ही आपको काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाता है। बात करें अगर दोस्तों बैटरी लाइफ की, तो बैटरी के मामले में दोनों ही फोन जो है काफी अच्छे हैं। Redmi Note 7 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, क्विक चार्ज 4 प्लस का सपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बॉक्स में जो है फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपसे Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro में आपको 4045 mAh की बैटरी मिलती है, और साथ ही यहाँ पे जो है आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है वूक चार्जिंग 3.0 का। तो वूक चार्जर की मदद से दोस्तों Realme 3 Pro जो है लगभग 80 मिनट में आपका फुल चार्ज हो सकता है। वहीं पे जो Redmi Note 7 Pro है उसको चार्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। और एक खास बात यह भी है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, तो यहां पे भी दोस्तों Realme 3 Pro जो है आगे हो जाता है। लेकिन Realme 3 Pro में माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, जो कि 2019 में अगर USB टाइप सी पोर्ट होता तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं चार्जिंग के मामले में और बैटरी के मामले में Realme 3 Pro को चूज करना चाहूंगा। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो दोनों ही फोन में जो है आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। Redmi Note 7 Pro जो है वो MIUI 10 पे रन करता है, और जो Realme 3 Pro है वो ColorOS 6 पे रन करता है। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है, अगर आपको MIUI ज्यादा पसंद है तो आप Redmi Note 7 Pro के साथ जा सकते हैं, ColorOS ज्यादा पसंद है तो आप जा सकते हैं Realme 3 Pro के साथ। लेकिन आपको बता दें MIUI में बहुत सारे एड्स भी देखने को मिलते हैं, तो जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, और Realme 3 Pro का जो ColorOS है वो एड फ्री है। बाकी और चीज़ों की बात की जाए दोस्तों, तो दोनों ही फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, और जो बाकी नेसेसरी सेंसर्स हैं सभी सेंसर्स आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में। अब अगर दोस्तों बात करें दोनों की प्राइस की, तो दोनों की प्राइस सेम है 13999 4GB 64GB की, और 16999 6GB 128GB की। अब बात आती है दोस्तों इन दोनों फोन में से कौन सा फोन लिया जाए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे Realme 3 Pro के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि Realme 3 Pro में दोस्तों आपको Snapdragon 710 का चिपसेट मिलता है, यहाँ पे वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है, और साथ में इन द बॉक्स जो है आपको चार्जर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे Fortnite का जो है सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है। उसके अलावा भी दोस्तों इसमें जो डिजाइन है काफी अच्छा है, हालांकि ग्लास बैक बॉडी होती तो और भी अच्छा हो सकता था ये फोन। माइक्रो USB पोर्ट है लेकिन चलेगा, क्योंकि फास्ट चार्जिंग जो है इसमें काफी अच्छा दिया गया है, और बॉक्स के अंदर ही फास्ट चार्जर है। और सबसे मेन बात दोस्तों, जो Redmi Note 7 Pro है ना वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मैं 3-4 सेल ट्राई करने के बाद जो है मुझे Redmi Note 7 Pro मिला था, वहीं Realme 3 Pro जो है आपको इनफ स्टॉक देखने को मिल जाएंगे, और आप आराम से जो है इस फोन को परचेस कर पाएंगे। तो यही कुछ रीजंस है दोस्तों जिसके वजह से मैं Redmi Note 7 Pro की बजाय Realme 3 Pro लेना चाहूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि Redmi Note 7 Pro भी बहुत अच्छा डिवाइस है, आप उसको भी खरीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस थोड़ी चीजों में जो है Redmi Note 7 Pro अच्छा है, तो कहीं पे जो है Realme 3 Pro अच्छा है। लेकिन अगर मुझे दोनों में से चूज करना होगा तो मैं यहां पे Realme 3 Pro के साथ जाऊंगा। बाकी आप बताओ दोस्तों, आप जो है इन दोनों फोन में से कौन से फोन के साथ जाना चाहोगे, आप कौन सा फोन लेना चाहोगे, और आपको कौन से फोन का कौन सा फीचर ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताना जरूर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।